ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व की गोहोरी रेंज में पार्क प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब स्थानीय ग्रामीण इको विकास समितियों के माध्यम से स्वरोजगार कर सकेंगे। बता दें कि राजाजी पार्क की गोहोरी रेंज के कुआऊ गोठ में सघन पादप केंद्र के अधिकारियों ने ग्रामीणों को कोमोमाइल पौधों का वितरण किया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को रोजगार के विभिन्न माध्यमों से भी जागरूक कराया है। इस दौरान सुनील वर्तमान ने कहा कि वर्तमान में ईडीसी के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए राज्य भर में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुआऊ गोठ के ग्रामीणों को कोमोमाइल की पौधों का वितरण किया जा रहा है। इन पौधों के रोपण के बाद अधिकारी लगातार निरीक्षण कर इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। कोमोमाइल उत्पादन के बाद ग्रामीण इको विकसित समाज समिति के माध्यम से अपने उत्पादों को रोजगार में जनमानस के लिए उपलब्ध करा सकेंगे। इससे जहां उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा तो वहीं भविष्य में भी अन्य लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऋषिकेश से मुकेश पवार की रिपोर्ट। देखिए, यहां पर हम कुनाऊ क्षेत्र में लोगों को आजीविका से जोड़ने का ये हमारे द्वारा प्रयास किया गया है, जिसमें कि सघन पादप केंद्र से अलग का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा जहाँ पर 1,20,000 के आसपास जो है सघन ये कोमोमाइल की जो पौधे वो फ्री वितरित की जा रही हैं, ताकि लोग जो है अपने आजीविका के साधनों को जुटा सकें। और आगे भी इस प्रकार के प्रयास हम जो हमारा कुनाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर जो ईडीसी है उसके माध्यम से यहाँ पर ये कराए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि अपने ही क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को जुड़ा सके, उसका एक प्रयास हमारे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सघन फसलों से संबंधित है। इसमें जो वन विभाग के सहयोग से यहाँ पे हम लोग किसान हमारे से जुड़ पाए हैं। इनकी जो ग्राम कुनवा की जो ज़मीनें थी, इनमें जंगली जानवर नुकसान करते थे, इसलिए हमने कोमोमाइल की खेती से इनको जोड़ा है और इनके स्वरोजगार को बढ़ाया है। तो क्या कितनी पौधे आप लोगों ने बांटी, किस चीज़ की बांटी है, किस तरह सहयोग करेंगे आप? इस बार हमने 1,20,000 कोमोमाइल की पौध बांटी है, जिसे हम जो यहाँ पे आने वाले पर्यटक हैं उसको भी हम यहाँ पे कोमोमाइल के टी बैग से या कोमोमाइल के पैकेट से उनको आजीविका से जोड़ेंगे।